दादा जिला भलुआ घरों की है तो गीत के लो हम पकड़ ललिए ना शिव चरच गुरु के मना डोलो भलुआ बुधौली तर पर है ना पहला सुतर में दया मांगवे दूसरा में चरच करवे हो रामा पहला सुतर दादी वाह एक बार ताली बजाओ जरी दादी ले वाह गर्दा मचा दिए। बॉर्डर पे परशुराम सेवा समिति शिविर में है और देखिएगा कि यहाँ पे नन्ना मुन्ना एक 5 से 6 साल का बच्चा है और इस शिविर में देखिए किस प्रकार से सेवा किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार का सेवा करने का जो भाव है निरंतर प्रयास रहना चाहिए। और देख लीजिए इस बच्चे का सेवा क्या हो गया था, पैर में क्या हुआ, दर्द हुआ था, दर्द हो गया था। हाँ। अच्छा तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मसाज। मसाज पैसा भी लिया जा रहा है? नहीं नहीं, फ्री में। हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा क्या कहिएगा, ऐसे ऐसे कवरिया बम आते हैं और उसके बाद में यहाँ से संतुष्ट होके जाते हैं परशुराम सेवा समिति से? मुझे बहुत खुशी मिलती है इन लोगों की सेवा करने में। हाँ। बहुत खुशी मिलती है, आनंद आता है। हाँ। लगातार 7 वर्षों से फिजियोथेरेपी हाँ। की कला से लोगों को सेवा दे रहे हैं। लगातार 7 वर्षों से? जी बिल्कुल, जब अच्छा। से शिविर आरंभ हुआ है, शुभारंभ हुआ है, तब हाँ। से लगातार मौका मिला है मुझे। हाँ। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है भोलेनाथ की। कैसा लगता है, मन में कैसा खुशी मिलता है जब लोगों का सेवा करते हैं? बहुत आनंद आता है, मतलब आता है। हमारे पूरे 12 महीने में हाँ। सबसे ज्यादा आनंदमय समय रहता है जब मैं यहाँ उपस्थित होता हूँ, महादेव का दिन होता है। जी बिल्कुल। चलिए आइए देखिएगा, इधर तमाम कंवरिया लोग इस जगह पे विश्राम कर रहे हैं और विश्राम करने के साथ साथ यहाँ पे देख लिए महिलाएं के साथ पुरुष तमाम लोग इस जगह पे हैं। सब लोग थके हुए हैं इसलिए कि सुल्तानगंज से 90 किलोमीटर इन्होंने यात्रा कर चुका है जल लेके, बस यहाँ से बाबा की मंदिर तक पहुँचने में मात्र यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर है। सुबह ये लोग निकलेंगे, उसके बाद में कल इन महादेव पे जल अभिषेक करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं, वो शायद वाफी का बच्चा है क्या? हाँ मेरे बच्चा। अच्छा कहाँ से आप आए हैं? बिहार से। कहाँ बिहार, कहाँ से? नालंदा। नालंदा जिला से? हाँ, नालंदा। अच्छा आपके बच्चा के पैर में दर्द हुआ था, यहाँ पे सेवा पे शिविर पे मुफ्त इलाज किया जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा? नहीं ठीक है, सेवा के बच्चा के करना के लिए ठीक कर रहा है। हाँ। पैसा भी लिया जा रहा है? नहीं नहीं ना, मुफ्त सेवा किया जा रहा है। हाँ। आप इस जगह पे आए तो क्या क्या सेवा मिला आपको इस शिविर में, परशुराम सेवा शिविर में क्या क्या मिला? मिला पहले तो पानी मिला, उसके बाद शरबत मिला, फिर हाँ। फल फलहारी मिला। हाँ, अभी आराम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए तमाम लोग इधर भी, कुछ लोग सोए हुए हैं, इधर देखिएगा भैया पूरा एकदम दाढ़ी मोच लगता रंग के आए हैं एकदम महादेव के दर्शन करने के लिए। कहाँ से आए हैं? नालंदा से। नालंदा से जी। अच्छा कैसा लगा इस शिविर में आके? बहुत अच्छा लगा, यहाँ सेवा भी मिला है। हाँ। मसाज हम भी करवाए हैं। हाँ जी। पैसा उसा भी लिया गया? नहीं 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 नहीं, नहीं। परशुराम सेवा समिति की तरफ से सारे लोगों को सेवा किया जा रहा है। जी जी। कैसा लग रहा गया? अच्छा फल भी, शरबत भी पिलाया गया। हाँ हाँ। बढ़िया लग रहा है ना? जी जी बहुत अच्छा सुविधा है। हाँ, क्या बढ़िया है? जी हाँ सर बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं नहीं, नहीं। चलिए ये प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए लोगों का। इधर देखिए महिलाएं हैं, एगो गीत जरा आप लोग भोले बाबा के कौन गाइएगा, जरा गाइए तो टीवी चैनल पे आइएगा ना, जरा आइएगा इधर देखिए बैठते हैं जरा,
कहाँ से आए हैं आप लोग? नवादा जिला से। हमू नवादे के हैं, तब तो घरे के आदमी है। लाइए जरा गाइए का को, जरा गीत उत सुनाइए भोले बाबा के। एजा बैठलो तो कैसन लगलो पहले बताओ ए मामा, कैसन लगलो बैठ? बढ़िया लगले। बढ़िया लगलो ना। की एजा सेवा लगो? तोर पैर में दर्द हो रहा है? हाँ, हो वो जरी। दवाई उवाई ललो? हाँ। हाँ? हाँ। खाना उना भी मिल रही कुछ? हाँ। की फलहारी? फलहारी, अच्छा ऐसे बोल रही हूँ तब अजिया समझ रहे हो ना मैं। हाँ। अब गीत सुनाओ एक आगो जरी महादेव को। गाओ एक आगो। अले दरबार में लो सामने महादेव अखी तो उनका तरकी है, ऐसी गाओ ना ये सब रिकॉर्ड हो जीता है। गाओ एक आगो जरी चारों पांचों जरी, तब ना मन लगेगा सब। सुनाइए एगो जरी, थोड़ा सा और आगे आ जाइएगा, थोड़ा सा गाइए। कमाई उठो है मंडलिया से, कमाई सोर भेले हो, सब मिलके गाओ कस के। कमाई बनो है मंडलिया से, कमाई सोर भेले हो, कमाई हो शिव चर च गुरु के मन डो नवादा जिला भलुआ घरों की। हाँ? तो गीत गैलो हम पकड़ ललिए भलुआ बुधौली तर पर है ना। पहला सुतर में दया मंगवे, दूसरा में चर च करवे हो रामा। पहला सुतर दादी वाह, एक बजे ताली बजाओ जरी दादी ले, वाह गर्दा मचा दिए। चलिए तमाम लोग इसी प्रकार से जो कंवरिया आते हैं महादेव का दर्शन करने के लिए, बाकी इस लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा, तमाम लोग इस जगह पे आराम करेंगे। परशुराम सेवा समिति के तमाम कार्यकर्ता को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार के शिविर लगा के जन सेवा में आप भागी लेने का काम करते हैं। वहाँ भी देखिएगा किस प्रकार से सेवा किया जा रहा है और निरंतर ये प्रयास 24 घंटा ये सेवा उपस्थित रहता है। बाकी इस वीडियो को तमाम बने रहिए, इस वीडियो में तमाम लोग इस भागीदारी लिए, इस वीडियो में सामने देख सकते हैं मिथिलेश जी इस जगह पर हैं जो कि इस जगह पर हमेशा लोगों का 7 साल से लगातार सेवा भाव देते जाएँ। देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पे सेवा परशुराम सेवा समिति नवादा के तरफ से किया जा रहा है। कैसा लग रहा लुआ? ठीक लग रहा है। दर्द हले पैर में की? हाँ, बड़ी दर्द हले। हाँ। सेवा परशुराम सेवा समिति में किया जा रहा है, मसाज किया जा रहा है, सेवा किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको चाची? ठीक ठीक, बढ़िया है ना? कोई दिक्कत भी है ना? पानी उनी पी लो। चलिए बाकी इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा और तमाम लोगों से एक बार कहना चाहूँगा इस प्रकार के कार्यों में भागीदारी बनी और जन सेवा के लिए आप लोग आगे आइए। जब तक निरंतर आप लोगों का प्रयास नहीं रहेगा, जब तक सारे लोगों का प्रयास नहीं रहेगा, एक बार इधर देखिएगा तमाम लोग इस जगह पे अपना योगदान दिए, अपना भागीदारी दिए, जो लोग इस जगह पे परशुराम सेवा समिति में सब लोग भाग दिए हैं सब लोग। बाकी इस वीडियो को लगातार आप लोग शेयर करते रहिएगा। अभी मैं आपको लाइव तस्वीर दुमा बॉर्डर से दिखाने का प्रयास कर रहा था। जय हिंद।